नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा 16 स्लोट टेबल फैन का डेटा और वाइंडिंग डायग्राम प्लस कनेक्शंस। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। तो मैं डेटा भी इसी पेज में यहां पे लिख रहा हूं। टेबल फैन, ठीक है। सोलह स्लोट का है, तो सबसे पहले इसका वाइंडिंग डायग्राम, फिर इसका डेटा मैं आपको बताऊंगा। तो वाइंडिंग डायग्राम की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इसके अंदर टोटल 4 कॉइल्स हैं, रनिंग के अंदर 4, स्टार्टिंग के अंदर है, और पिच रहेगा 1 से 4। दोस्तों, सबसे पहले मैं रनिंग का बता देता हूं, उसके बाद स्टार्टिंग का बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे स्लोट्स बना लिए हैं, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, पंखे के स्लोट्स नहीं हैं, लेकिन इसी में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मान लीजिए बीच बीच के खाली जो है वो स्लोट्स हैं, ठीक है। तो इसका पिच जो होता है दोस्तों, 1 से 4 है, ठीक है। पिच 1 से 4 रहेगा, रनिंग में भी स्टार्टिंग में भी। तो पहले 1 से 4 बना लेते हैं, कहीं से भी बना लीजिए, 1, 1, 2, 3, 4, 1 से 4 हो गया है, ठीक है। और टोटल कॉयल रनिंग में 4 डलेंगी। तो हम कॉयल इंस्टॉल करते हैं, ये इनर पॉइंट हो गया कॉयल का, और कॉयल हम इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले 1 में, फिर 1 से 4 में, इस तरह से 1 से 4 के अंदर से कॉइल होके बाहर आ जाएगी, ठीक है। और इसका आउटर पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह से, तो एक कॉइल इस तरह से इंस्टॉल होगी 1 से 4 में, एक इनर तार, एक आउटर तार, ठीक है। और इस कॉइल की जो लंबाई है 6.5 इंच की है, वो मैं डेटा में यहाँ पे लिख के बताऊंगा आपको। तो एक कॉइल इस तरह से इंस्टॉल कर देनी है, इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ, आउटर तार इस तरफ, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं, पलट लेते हैं, मोटर को भी इसी तरह पलटना है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको फिर से वही पिच बनानी है, ठीक है, 2 स्लोट छोड़ के। तो बना लीजिए 1, 2, 3, 4, वही 1 से 4, या इस साइड से भी बना सकते हो, जहां से खत्म हुआ उसके बाद 4, फिर खाली 2, फिर 1, ठीक है। अब यहां पे भी इसी तरह से बिल्कुल कॉइल इंस्टॉल करना होता है, एक से चार। कॉइल होती है और यह आउटर तार यहाँ पे निकल जाता है, एक इनर तार, एक आउटर तार है, ठीक है। इसी तरह से आगे बनाते हैं, इस साइड से बना सकते हो, इस साइड से आसान रहता है। यहाँ पे 4 बनाइए पहले खाली में, भरने के बाद जो स्लोट बचता है उसके बाद छोड़िए 1, फिर 1 छोड़िए, ठीक है। 4 से 1 बना सकते हैं, 4, 3, 2, 1, या इधर से गिने को तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो किसी भी साइड से आप गिन सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, ठीक है। 1 से 4 के अंदर से कॉइल और ये आउटर तार हो जाता है।
उसके बाद वही एक से चार, एक से चार, दो बीच में छूट जाएंगे, ये इनर पॉइंट और एक से चार। और ये आउटर पॉइंट हो गया है, ठीक है। तो टोटल चार क्वाइल इस तरह से इंस्टॉल हो जाती है रनिंग के अंदर। अब इसके कनेक्शन भी आप साथ साथ देख सकते हैं। आप यहां पे हमने पहली क्वाइल इंस्टॉल की, यहां पे दूसरी, यहां पे तीसरी, यहां पे चौथी। तो पहली का आउटर छोड़ देना है, इनर पकड़ना है और दूसरी के इनर के साथ ज्वाइंट कर देना है। पहली का इनर दूसरी के इनर के साथ ज्वाइंट कर देना है और दूसरी का आउटर तार तीसरी के आउटर से ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। अब तीसरी का इनर चौथे के इनर से ज्वाइंट कर देना है और दो तार बचेंगे आउटर आउटर, ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये दो तार रनिंग में बचते हैं। अब स्टार्टिंग में भी इसी तरह से हमको कॉइल इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा कलर का यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग कॉइल डालने के बाद इसकी पिच भी सेम है, एक से चार। हम ऐसे मोटर को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं और ये कॉइल नोट करते हैं रनिंग का, एक तो पहला वाला एक दूसरा वाला, दूसरे का राइट सिरा और पहले का लेफ्ट सिरा हमको स्किप करना है और एक से चार पिच बनाना है और कॉइल इंस्टॉल करना है। ये इनर तार हो गया स्टार्टिंग का, ठीक है, और उसी तरह से कॉइल इंस्टॉल करना है एक से चार में। और ये आउटर तार हो गया है, उसके बाद आगे बढ़ना है एक से चार इनर पॉइंट्स, आउटर एक से चार इनर पॉइंट्स, आउटर, ठीक है। उसके बाद लास्ट कॉइल एक से चार इनर पॉइंट्स, आउटर तार। और इस तरह से कंप्लीट वाइंडिंग डायग्राम्स बन चुका है आपके सामने। अब इसके कनेक्शन आप कर सकते हो उसी तरह से जैसे हमने रनिंग के किए थे। तो पहली कॉइल जो है उसका आउटर हमने पहली ये डाली है, तो इसका आउटर को कहीं से भी कर सकते हो, वैसे तो आउटर छोड़ देना है, इनर पकड़ना है, अगले के इनर से जोड़ देना है, ठीक है। पहले के इनर दूसरे के इनर से जोड़ देना है, दूसरे का आउटर बचता है तीसरे के आउटर से जोड़ देना है, तीसरे का इनर चौथे के इनर से जोड़ देना है। अब दो आउटर बचेंगे स्टार्टिंग में भी, दो रनिंग में बचे हैं आउटर, दो स्टार्टिंग में बचे हैं, टोटल चार तार बचे हैं, ठीक है। इसके कनेक्शन भी मैं बताऊंगा। तो इसका आप डाटा, आप यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डाटा इसका लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये तो वाइंडिंग डायग्राम हुआ इसका। ये 16 स्लॉट की मोटर है, इसका जो स्टेटर साइज है, जो स्टेटर साइज है वो 1 इंच है और दोस्तों इसके अंदर जो गेज डाला गया है पैंतीस नंबर है, और फर्मे की बात करें
रनिंग के अंदर साढ़े छः और स्टार्टिंग के अंदर छः इंच का फरमा है। अब टर्न की बात करते हैं दोस्तों, टर्न रनिंग के अंदर दोस्तों 580 और स्टार्टिंग के अंदर 550 टर्न करने हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, सिंगल स्पीड में है, थ्री स्पीड का भी डेटा मैं आपको बताऊंगा, थ्री स्पीड वाले में और उसका वाइंडिंग डायग्राम कनेक्शन भी। तो हमारी जो भी वीडियो डाल रहे हैं सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, बारी बारी से हम सभी का डाल रहे हैं। उसके बाद टोटल वेट की बात करें, टोटल वेट तो ये हो गया, इसमें कॉपर डालते हैं तो लगभग 280 ग्राम के समथिंग बैठता है। अब पिच की बात करें, एक से चार है दोनों में, रनिंग एंड स्टार्टिंग। रनिंग एंड स्टार्टिंग दोनों के अंदर सेम है। टोटल कॉइल 8 है। चार रनिंग में, चार स्टार्टिंग में। ये कॉपर का है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेटा बता दिया, इसका स्टेटर साइज ये सारी चीजें बता दी हैं। तो ये आप सिंगल स्पीड का डेटा बताया है मैंने और वाइंडिंग डायग्राम भी सिंगल स्पीड का ही बताया है। तो इस तरह से इसका वाइंडिंग आप कर सकते हो। अब कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन भी इसका बिल्कुल ही सिंपल है। कनेक्शन चार तार निकलते हैं, ठीक है। तो चार तार ये हैं, दो रनिंग के हैं, दो स्टार्टिंग के हैं। आपको करना क्या है, एक रनिंग का लीजिए, एक स्टार्टिंग का लीजिए, आपस में इसको जोड़ दीजिए और आपके पास अभी एक पॉइंट बन जाता है जिसको आप कॉमन बोलते हैं। तो एक कॉमन पॉइंट है और फिर आपको लेना है अपना कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है इसके अंदर 3.15 का लगेगा। कैपेसिटर की दो तारें होती हैं, एक आप रनिंग के बचे तार में दे दीजिए, एक स्टार्टिंग के बचे तार में दे दीजिए, ठीक है। अब जो रनिंग का एक तार है इसमें आप सप्लाई भी प्लस में दे दीजिए। तो यहाँ पे सप्लाई देने की तो कॉमन में देनी है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ पे 220 वोल्ट आपने देनी है। कैपेसिटर एक रनिंग में लगेगा, एक स्टार्टिंग में। अगर मोटर जो पंखा जो आपका उल्टा चले तो आप रनिंग रनिंग के तारों को आपस में बदल सकते हैं, इन दोनों तारों को, या स्टार्टिंग के आपस में बदल सकते हैं। कनेक्शन जो है एक से तीन में है, ये वाले जो कनेक्शन मैंने बताए हैं। तो इसका आप कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम आएगा। और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य पार्ट के साथ, अन्य वीडियो के साथ।
जय हिंद जय भारत।